इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को फाइनल मुकाबलो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 209 रन से जीत लियो। इंडिया की टीम एक बार फिर से वर्ल्ड कप हार गई। इंडिया की टीम ने पिछले लगभग 10 साल में बहुत सी आईसीसी ट्रॉफी अपने हाथ से गवाई है और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी सबने यही देखना मिलियो। आज के वीडियो में अगर आपको बात करा की ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण इंडिया की टीम बार बार टेस्ट चैंपियनशिप और आईसीसी का टूर्नामेंट कौन जीत पावे, इसके लिए सबसे मेन कारण है बीसीसीआई को टीम सिलेक्शन बहुत ही खराब रहा है टूर्नामेंट के अंदर। अधिकतर बार आपा देखा तो बीसीसीआई वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए जिन खिलाड़ी ने तैयार करे है लेकिन बाद में एंड वक्त पर बा खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में ही कुन ले जावे और जाएंगे थनसब ने बेरवे। जो टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत्या यानी 2007 और 2011 में भी वर्ल्ड कप जीत्या, 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जीती, तो जी टाइम पर टीम इंडिया की कप्तानी एमएस धोनी का हाथ में ही और एमएस धोनी जी खिलाड़ी ने बनाया है बा खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप जरूर खिलाया और एमएस धोनी खिलाड़ी पे जितो भरोसा दिखा तो बितो भरोसा शायद ही आज के टाइम में बीसीसीआई खिलाड़ी पे दिखावे। तो जब तक बीसीसीआई खिलाड़ी पर अपना पूरा भरोसा नहीं दिखावेगी तो टीम में ये खिलाड़ी अपना योगदान पूरी तरीके से कौन दे सकेगा। बी के बाद में अगर आप अगली बात करा तो अगली सबसे मेन बात है टूर्नामेंट नहीं जीतने का पीछे कारण है कप्तानी को। जी हाँ, रोहित शर्मा की कप्तानी में पहले तो कुछ धार दिखी लेकिन आजकल तो रोहित शर्मा की कप्तानी एकदम ही नकारा हो रही है। एमएस धोनी के बाद में टीम की कप्तानी बहुत दिन तक विराट कोहली के हाथ में, विराट कोहली के हाथ में जब तक टीम की कप्तानी ही टीम कोई आईसीसी ट्रॉफी तक नहीं जीती लेकिन टीम का प्रदर्शन बहुत ही चोखा और टीम में खिलाड़ी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा, लेकिन जब से रोहित शर्मा ने कप्तानी मिली है तो टीम एक अस्त व्यस्त हो रही है। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी टीम इंडिया के अंदर अश्विन की जगह बनी लेकिन रोहित शर्मा ने अश्विन ने बारह बिठा दियो और बी की जगह उमेश यादव ने टीम में मौका दे दियो। और सबसे बड़े कारण की बात करा तो वो है आईपीएल की, आईपीएल के कारण भी टीम का बहुत नुकसान हो रहा है। तो चाहे कारण कुछ भी हो लेकिन जब भी टीम इंडिया आईसीसी के टूर्नामेंट से बाहर हुआ है तो सब फैंस को दिल टूट जावे, सबने बेरवे की कितना दिन से टूर्नामेंट को इंतजार करा और फिर लास्ट में जा टीम इंडिया इतनी बुरी तरीके से हार जावे तो दुख तो वही है। तो आज वाला वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो चोखो लगे हो तो वीडियो लाइक करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो।